नमस्कार, मैं सुनी गौतम कुरुक्षेत्र पर आपका स्वागत करता हूं। और साथ ही आज हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर ये कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन क्या होती है, ये कैसे कराई जाती है और भारत के लिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। साथियों, अभी हाल ही में IIT कानपुर ने कृत्रिम वर्षा करवाने में आर्टिफिशियल रेन करवाने में सफलता हासिल की है। दोस्तों, IIT कानपुर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर 2017 से ही इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। यूपी गवर्नमेंट ने IIT कानपुर को इसकी इजाजत दे भी दी थी, लेकिन DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इन्होंने अभी तक आर्टिफिशियल रेन कराने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन कुछ समय पहले ही DGCA ने भी इसकी अनुमति दे दी। इसमें हुआ क्या, इसमें IIT कानपुर ने एक प्लेन के जरिए कृत्रिम बारिश करवाई। प्लेन धरती से या समुद्र तल से कह लीजिए 5000 फीट ऊपर गया और वहां पर एक केमिकल पाउडर डाला बादलों के बीच में, जिसके कुछ ही देर बाद बारिश हो गई। ठीक है, जबकि बारिश का कोई मौसम नहीं था, के बावजूद केमिकल पाउडर डालने से बारिश कुछ देर में स्टार्ट हो जाती है। और यह सब हुआ IIT कानपुर के ऊपर ही। दोस्तों, अब बात आती है कि जो कृत्रिम वर्षा है यह कैसी हुई, इसके लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, कैसे कराएगी। देखिए, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, कृत्रिम बारिश करवाने के लिए क्लाउड शीट को आ जाते हैं, क्लाउड शीटिंग को आ जाती है। ठीक है, इसके लिए जो आपका केमिकल पाउडर है उसमें क्या चीजें होती है, फर्स्ट सिल्वर आयोडाइड प्लस में ड्राई आइस, सूखी बर्फ, प्लस में नमक, और कुछ दूसरे केमिकल, इन सब का एक पाउडर बना के, केमिकल पाउडर बना के बादलों के बीच में उसका छिड़काव किया गया। ठीक है, और उसके फलस्वरूप क्या हुआ, कुछ ही देर बाद IIT कानपुर और उसके आसपास के इलाकों में बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हम इसको चमत्कार भी कह सकते हैं। भारत से पहले UAE और चाइना इसका सफल परीक्षण कर चुके हैं भारत की, और भारत ने दोस्तों ये कारनामा कर दिखाया। अब इसके फायदे क्या होंगे, देखिए आपको पता है भारत में कई इलाकों में सूखे की प्रॉब्लम रहती है, बारिश बहुत कम होती है या होती ही नहीं, जिसके कारण हमारी फसल तबाह हो जाती है, हजारों किसान आत्महत्या करते हैं। तो उस सब के लिए जो आपकी आर्टिफिशियल रेन है वो बहुत उपयोगी रहेगी। जब हमें जरूरत पड़ेगी हम उसी समय बारिश करवा सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्लाउड सीडिंग का नाम दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो ये बारिश होती है आर्टिफिशियल रेन, इसके जो जो प्रोसेस इस दौरान अपनाया जाता है उसको बोलते हैं क्लाउड सीडिंग। ठीक है, तो इस सबसे पहले तो आप समझ लीजिए जो सूखे की प्रॉब्लम है भारत में उसका समाधान हो जाएगा आने वाले समय में। दूसरा, इसका यूज क्या होगा, देखिए जैसे आपको पता है दिल्ली जैसे जगहों पर पोल्यूशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, जब बारिश होती है तो वो पोल्यूशन बैठ जाता है नीचे, मौसम साफ हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार पोल्यूशन से राहत दिलाने में भी आपकी कृत्रिम वर्षा अहम योगदान निभाएगी। कुल मिलाकर आर्टिफिशियल रेन कृत्रिम वर्षा आने वाले समय में भारत के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगी। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात तो बता देना चाहता हूं, देखिए जो बारिश होती है ठीक है, वो नॉर्मली जो बादल होते हैं वो समुद्र तल से 1 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर ऊपर होते हैं, मतलब कि जो ट्रोपोस्फीयर होता है धरती का, ठीक है, जो समुद्र तल से 11-12 किलोमीटर ऊपर तक होता है ट्रोपोस्फीयर, जिसको आप सौर मंडल बोलते हो, सौर मंडल में ही ये क्लाउड पाए जाते हैं बारिश वाले। और जो अब कृत्रिम वर्षा IIT कानपुर ने करवाई है, ये जो बादल थे, क्लाउड थे, ये धरती से 5000 फीट ऊपर थे। ठीक है, 5000 फीट ऊपर थे, जो कि कोई ज्यादा ऊंचाई नहीं है, लेकिन जो बारिश के बादल होते हैं वो 1 किलोमीटर से लेकर 5-6 किलोमीटर तक नॉर्मली पाए जाते हैं ट्रोपोस्फीयर में, सौर मंडल में। तो नॉर्मली जो बारिश होती है वो सौर मंडल में ही होती है। प्रोफेसर अग्रवाल ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत ने
कृत्रिम वर्षा कराने में सफलता हासिल कर ली है। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस और मुझे उम्मीद है कि भारत के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।